चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। इसी कंटेनर से विस्फोट हुआ था जो दूर आसमान में गया और लोगों की, जो लोग इसके अंदर थे उनकी मौत हो गई। अभी फिलहाल फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घरों में लोग शामिल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं घरों की क्या हालत है, पूरा घर खाली हो गया है। ये ऐसा ही क्या हालत हो गई है, घर बिल्कुल गिर जाए। जो यहाँ पुलिस को सबसे बड़ी बात है, 11 बजे पहुँच चुकी है, दिक्कत नहीं है। घर की हालत देख सकते हैं क्या हालत हुई है, कोई इलाज है कंडीशन देखते हैं, ऊपर से नीचे पूरा मतलब पूरा जला हुआ है और 11 बंदे के अंदर स्कोर की मौत हो गई है। यहाँ पर देखिए कितना सपोर्ट करेगी और कितना फेवर करेगी, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम आम आदमी की सरकार चली हुई है, क्योंकि फैक्ट्री का लाइसेंस वगैरह जब भी जो भी है, ये वो केमिकल फैक्ट्री थी, केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण 11 बंदों की जो मौत हो गई, 4-5 बंदे यहाँ पर घायल हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पर बाइक वगैरह खड़ी थी, बाइक का क्या करने हालत हो गई है, ये घर पूरा घर जला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है यहाँ पे जान माल की। और यहाँ पे सबसे बड़ा ये देखिए कितना बड़ा नुकसान है, ये फैक्ट्री वो बाइक पूरी घर की तमाम इस गली के घर जल चुके हैं। आप देख सकते हैं इस अलीपुर में जो ये लाइफ ऐसी चल रही है, सबसे दिक्कत यही हल्का नुकसान हुआ है। देखते हैं यहाँ पर जनता है वो कितना उम्मीद करती है दिल्ली सरकार से, और क्या है। एक बार 2018 में भी ये मुद्दा उठा था, जो बवाना सेक्टर में जो ब्लास्ट हुई थी उसके भी ऑन द स्पॉट 20 बंदे की मौत हुई थी, जब दिल्ली सरकार ने इनको मुआवजा दिया था, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया था। 2018 की बात करूँ मैं, 2018 में जो बवाना सेक्टर 2 में जो आग लगी थी, जब दिल्ली सरकार ने लोगों की कितनी मदद करी थी, देखते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या आश्वासन रखा दिल्ली सरकार ने कि इस बार क्या मुद्दा उठाएंगे, क्या इनको मतलब कितनी राशि इनको मतलब देने की उम्मीद करेंगे। केजरीवाल जी भी थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं और केजरीवाल से देखते हैं जो अलीपुर की जनता कितना उम्मीद करती है। मैं कन्हैया शर्मा, चंदी खुशी अलीपुर से। हम यहाँ जो अलीपुर में निवासी जिनकी खुद की दुकान जली है, कितना नुकसान हुआ, कितना बड़ा उनका मतलब आश्वासन मिला, देखते हैं दिल्ली सरकार के आश्वासन दे रही है। क्या नाम है सर आपका, आपकी कितनी दुकान चल रही है सर यहाँ पर? अच्छा, किसी की दुकान पर आपकी? अच्छा, और सर ये बताइए मतलब कुछ जान मार के और सबसे बड़ा मुद्दा है आप अभी थोड़ी देर में आए केजरीवाल जी आने वाले, तो आप क्या उसे नहीं चाहते हो? आपका दुकान की बहुत बुरी हालत है, इतना लाइक दुकान ज़्यादा था खराब, बहुत ही हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ये वो फैक्ट्री है जो ब्लास्ट हुई थी, आप सामने देखिए
जो घूम रहे हैं हमारे बीच में, किसी के मामा चलो भाई चलो भीड़ में चलो चलो मैन इलाका अलीपुर का, तो यहाँ पर जो रेंट वगैरह में रहते थे फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं वो सुना उनकी मौत हुई है जो भी है यहाँ पर, तो और सबसे बड़ी दिक्कत है चार पाँच दिन तक यहाँ पर घायल चल रहे हैं। मैं कन्हैया शर्मा चंदी पिछले से पहले नमस्कार मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।